आरएसएस मुख्यालय में विजयदशमी उत्सव पर पहुंचे गायक शंकर महादेवन, शस्त्र पूजन में गडकरी फडणवीस भी शामिल। बिहार में दुर्गा पंडाल में भगदड़, 3 की मौत, 20 घायल। गोपालगंज में 8 लोगों की हालत गंभीर। मिजोरम सीएम बोले, नहीं करूंगा पीएम के साथ स्टेज शेयर। मणिपुर में मैत्री लोगों ने जलाए थे चर्च, हम नहीं दे सकते बीजेपी का साथ। कुल्लू में इंटरनेशनल दशहरा उत्सव आज से, भगवान रघुनाथ का रथ खींचने उमड़ेंगे श्रद्धालु, राज्यपाल करेंगे शुभारंभ। फर्जी वेबसाइट से बेचे गए वर्ल्ड कप मैच के टिकट, आईसीसी बीसीआई को मेल भेजकर लखनऊ पुलिस ने दी जानकारी। योगी सरकार की दीपावली से पहले बोनस देने की तैयारी, बीएडीआर में 4% की हो सकती है बढ़त। यूपी के 14 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। आज विजयदशमी की रात लगेगी गोरक्षपीठाधीश्वर की अदालत, सीएम योगी दंडाधिकारी बन सुलझाएंगे संतों के विवाद। यूपी में 10 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान, पाक व अफगानिस्तान में वायरस के कारण सतर्कता। दिल्ली पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, यूपी कांग्रेस कार्यकारिणी का जल्द हो सकता है ऐलान। इसराइल का गाजा में अल शाती रिफ्यूजी कैंप पर हमला, 24 घंटे में 437 फिलिस्तीनियों की मौत, हमास ने दो इजरायली महिला बंधकों को। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।